XUV700 ये A7 मॉडल आपको जिसकी आपको डी हेडलैम्प का सिस्टम मिल जाता है पूरा, ये आपका मैसिव एयर इंटेक रेडिएटर के लिए। और नीचे आप देख पा रहे हैं आपको एक और एक ग्रिल मिल जाती है जो कि आपका रेडिएटर काम करती है, रेडिएटर को एयर इंटेक देती है। यहाँ पर आपकी LED परफॉर्मेंस मिल जाती है और आपके टर्न सिग्नल्स इसी में इंटीग्रेट किए गए हैं। यह आपका नया महिंद्रा का लोगो जो कि मेरे को तो इतना अच्छा नहीं लगता, और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाता है जो कि आपका रेयर्स में ADS के उसमें भी काम करता है, आगे लेन की बस इसमें भी काम करता है कैमरा आपका। और ऊपर आपको आपको रेन सेंसिंग वाइपर भी मिल जाते हैं, और वो आप जो आप देख रहे हैं वहाँ पे आपको कैमरा मिल रहा है उसके अंदर। आप पास आएंगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको कैमरा मिल जा रहा है जो कि आपका लेन की बस इसमें काम करता है। और आप जब ADS फीचर ऑन करते हैं तो यहाँ आपको लेन गाड़ी को लेन में कंट्रोल करता है, आपकी स्पीड को कंट्रोल करता है, और आपको जो साइंस आते हैं उनको रीड करता है और आपको अलर्ट करता है। इसका अलॉय मिल जाता है जो कि डुअल कलर में है, डुअल टोन कलर आपका 18 इंच का डायमंड कट अलॉय है। अलॉय का डिज़ाइन मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। और आपको चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ABS सिस्टम मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, और आपको लॉकिंग डिफरेंशियल्स भी मिल जाते हैं। और हम इसके साइड प्रोफाइल में फ्रंट टायर की बात हो गई, हम आगे आते हैं। ये आप ORVM देख रहे हैं, ऑटोमेटिक ORVM है, ऑटोमेटिकली फोल्ड एंड फोल्ड हो जाती है। फिर आपको LED टर्न सिग्नल्स मिल जाए इसके अंदर। और हम आते हैं, ये आप डोर हैंडल देख रहे हैं जो कि बिल्कुल बॉडी के साथ में मैच किया गया है। यहाँ पर आपको कोई भी मोड नहीं मिलता है, आप इसको जैसे ही प्रेस करेंगे ये बाहर आएगा, आपको बस इसको खींचना है और डोर खुल जाएगा। ये आप महिंद्रा इनको स्मार्ट डोर हैंडल्स कहते हैं। तो अब हम इसी साइड पर बात देख रहे हैं, आप SUV गाड़ी फुल साइज SUV गाड़ी SUV आपके नीचे ब्लैक है आपकी बॉडी पर स्क्रैचिंग वजह से दिखाती है क्लियरिंग आपको। आपको देखा जाए आपको शांत में एंटीना भी मिल जाता है, और आपकी जो आपका सीट है इसको आपको पूरा ब्लैक आउट किया गया है, ग्लॉस ब्लैक आउट किया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो इसके डोर हैंडल्स का भी है, ये डोर हैंडल आपको लिए मिल जाते हैं। आपको डोर की ओपनिंग अराउंड 90 डिग्रीज है, लेकिन एक्यूरेट 90 डिग्री नहीं मिलता, 90 से थोड़ा कम मिलता है, 80-85 डिग्री। अब ठीक बन हुआ है, LED मिल जाती है, और जो आपका रिवर्स पार्किंग लाइट है वो आपको LED मिल जाता है। आपके LED टर्न सिग्नल जो कि फ्लोटिंग नहीं है लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा लगता है, और आपकी LED टेल लाइट है पूरी। ये XUV700 की रहती है, आपका AX7 वेरियंट जो कि लग्जरी लाइन के अंदर आ जाता है। और आपको रेन सेंसिंग वाइपर पीछे ही मिलते हैं, ये आपका महिंद्रा की बैंडिंग, और ये आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा है। यहाँ पे आपकी ब्रेक लाइट मिल जाती है आपको ऊपर, और नीचे आपको दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे आपका टॉप मिल जाता है, आपको दोनों साइड रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। अब मैं इसका बूट ओपन कर रहा हूँ, बूट ओपन हो गया। बूट की हाइट काफ़ी सही है, मैंने एक फोटो की वीडियो बनाई थी तो उसमें बूट की हाइट काफ़ी कम थी, वो मेरे सर को टच हुआ था, तो मेरे को थोड़ा नीचे जाके वो करना पड़ता था बूट में अंदर आने का। तो बूट में सेक्शन में आ गया, तो अभी आप बूट स्पेस देख रहे हैं। बूट स्पेस इसमें आपको अराउंड 180 लीटर्स मिल जाती है तीनों रो को करने के बाद। अगर मैं तीनों रो को फोल्ड कर देता हूँ, मैं अभी आपको फोटो दिखाता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं ये सीट फोल्ड हो गई है, अभी मैं इसको भी फोल्ड कर देता हूँ। तो ये दोनों सीट फोल्ड हो गई है, तो आपको अब ये 450 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है अभी, और जब पूरी सेकेंड रोड पूरी फोल्ड हो जाएगी तो आपको अराउंड आपको मिल जाएगी 1000 लीटर की स्पेस मिल जाएगी आपको, जो भी काफ़ी ठीक है। और हम बूट में दिए गए फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो अभी हम बूट स्पेस में हैं, तो मैं आपको बूट स्पेस में दिए गए फीचर्स के बारे में बताता हूँ। इधर कैमरा मैन प्लीज़ एक बात मान लीजिएगा, ये आपको हुक मिल जाता है, कुछ भी आपको टांगना हो बांधना हो, ये आपके बुक शेल्फ के लिए है,
अब ये गाड़ी थर्ड रो के साथ आती है, अगर आप फाइव सीटर लेंगे तो आपको यहाँ पे बुक शेल्फ मिलेगी जो कि अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट मिल जाते हैं आपको, कुछ भी चीज़ बांधनी हो फंसानी हो इधर भी और इस साइड भी है दोनों में, यहाँ भी आपको हुक मिल जाता है। और आप कैमरा में प्लीज आगे लगे थोड़ा, यहाँ पे आपको फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए मिल जाता है कंट्रोलर, ये आपकी एयर वेंट्स है दोनों साइड। यहाँ पे आपका 120 वॉट का आपको अप्लाइंस के लिए आपको एक सॉकेट मिल जाता है, और आपको दोनों साइड में कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और आपको स्पीकर्स भी मिल जाते हैं पीछे। हाँ स्पीकर तो कोई प्रीमियम मैजिंग नहीं है, स्पीकर पे बस आपको XUV700 की बैजिंग मिलती है। इसके बूथ पे इसके बारे में अब हम चलते हैं उसकी ड्राइवर सीट पर, बूथ को तो ये आपको XUV700 की मिल जाती है, जो कि ये AX7 मॉडल की है जो कि लग्जरी लाइन में आता है। यहाँ पे आप की पे देखेंगे आपको महिंद्रा की बैजिंग मिल गई है, ये आप देख पा रहे हैं आपको लॉक का बटन, और ये अगर आप इसको दो बार दबाएंगे तो आपका टेल गेट ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये आपका अनलॉक का बटन, और यहाँ से आप इसको दबाएंगे तो आपकी की निकल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको एक LED भी मिलती है, जब भी आप लॉक अनलॉक करेंगे या कुछ भी करेंगे तो ये LED ब्लिंक होती है। तो अब हम चलते हैं सीधा गाड़ी के अंदर, और पहले हम सीधा डोर से बाहर, तो हम इंटीरियर की बात स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हम दरवाजे से स्टार्ट करते हैं इंटीरियर को। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऊपर आपको पूरा प्लास्टिक मिलता है, ये भी आपका प्लास्टिक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सिल्वर कलर में आपको लाइन दी गई है जो कि अच्छी लग रही है। आपका बेस्ट एल्यूमिनियम में आपको डोर ये लॉक अनलॉक के लिए लीवर मिल जाता है, यहाँ से आप अपनी सीट एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस पीस से अपने बॉटम को कैमरा में वहाँ दिखाइए, आप इसको आगे करेंगे तो ये बॉटम आगे मूव हो रहा है, और इसको पीछे करूँगा तो पीछे मूव हो रहा है, और अब मैं इसको अपर नंबर सपोर्ट को मूव करूँगा तो ये आपकी सीट रिक्लाइन हो सकती है और वापस पीछे भी जा सकती है। तो आपको ये फ्रंट सीट पूरी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाती है, आप वहाँ बस आप इससे हेडरेस्ट को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, और ये आपको ग्रैब करने के लिए जो कि पियानो ब्लैक थीम में दिया गया आपको। यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, विंडो लॉक डोर अनलॉक लॉक, और ये आपके ORVM का ओपन और फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए और उनको एडजस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल दिए गए हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा अंदर, और हाँ एक बात जो रह गई है वो आपको यहाँ पे ये आपकी तकरीबन 1 लीटर की बोतल को होल्ड कर लेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ी कभी स्टोरेज मिल जाती है। ये आपको सेफ्टी लाइट दी गई है ताकि आपको रात में पीछे आती गाड़ी को आपका डोर पे खुला हुआ वो दिख जाए। तो अब हम सीधा अंदर कूदते हैं, तो हम इसके अंदर आ चुके हैं, ये आप स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं, मैं इसके अंदर बैठा हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा हुआ, नहीं लग रहा हुआ तो गलती मेरी है, कोई बात नहीं, आप स्टीयरिंग पर व्हील पर फोकस कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आपको चैनल ट्रैक प्रीवियस ऑडियो सेट करनी हो, आपको कॉल और कॉल कट करनी हो, आपको वॉइस असिस्टेंट ऑन करना हो, इधर आपको क्रूज़ कंट्रोल के लिए कंट्रोल्स मिल जाएंगे, आपको स्पीड एडजस्ट करनी हो, क्रूज़ कंट्रोल ऑन ऑफ करना हो। ये आपका सेंटर में प्लास्टिक की फील दी गई है, प्लास्टिक है ये पूरा। यहाँ पे आपको हॉर्न मिलता है जो कि ऑब्वियस बात है, और आपको एयरबैग की बैजिंग, एयरबैग स्टीयरिंग, क्योंकि स्टीयरिंग में आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि इतनी अच्छी लेदर की क्वालिटी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है सॉफ्ट टच है पूरा स्टीयरिंग व्हील। आप डैशबोर्ड पर देखेंगे आपको पूरे डैशबोर्ड पर यहाँ पर लेदर मिलती है, ये ऊपर आपका थोड़ा प्लास्टिक है, हाँ जी हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको हेडलाइट की जो लेवल है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कहाँ पे कितनी ऊपर हेडलाइट का फ्लो चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का स्विच मिल जाता है, ये आपका हिल डिसेंट कंट्रोल जो है आपको ऑन ऑफ करने का स्विच मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी रेड लाइट पर जैसे आप खड़े हैं तो एकदम से वो गाड़ी अपने आप इंजन को बंद ना कर दे, तो इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं स्पीकर्स को। और आप स्टीयरिंग व्हील को देखेंगे नीचे आपको थोड़ा फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील लेने की कोशिश की गई है, हालांकि इतना फ्लैट नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा फ्लैट दिया गया है। और यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में और ये अंदर पियानो ब्लैक में इंसर्ट मिल जाता है आपको स्टीयरिंग व्हील पर देखने के लिए। अब हम स्टीयरिंग व्हील के पीछे की बात करें तो ये आपके हेडलाइट कंट्रोल्स हैं, और इस साइड आपके वाइपर कंट्रोल्स हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एयर वेंट्स मिल जाती हैं, AC वेंट्स, आप इनको ऊपर नीचे साइड एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इनका फ्लो यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्लो आपको कंट्रोल करने के लिए आपको सीधा AC जो आप देख पा रहे हैं ये 10 इंच का काफ़ी बड़ा स्क्रीन दिया गया है आपको, पूरा फुली ऑटोमेटिक स्क्रीन डिस्प्ले है। और यहाँ पर आपको ये MID दी गई है, ये भी पूरा आपको फुली
डिजिटल डिस्प्ले दिख जाता है आपको, यहाँ पे आपकी स्पीड दिखाता है, ये आपका रेव काउंटर है और आपकी काफ़ी जो जो आपके फीचर हैं सबकी डिस्प्ले दिखाता है। स्टार्ट, तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको स्पीड मीटर मिल जाता है, ये आपका रेव मीटर है। नीचे आपको इंजन चेक लाइट मिल रही है, ये आपकी बैटरी वोल्टेज की लाइट है, ये आपका ड्राइवर असिस्ट ऑन कर रखा है तो ये आप देख पा रहे हैं, तो ये उसकी लाइट है। और यहाँ पे आपका स्टीयरिंग व्हील लॉक है तो उसकी लाइट है, ये आपका डोर खुला हुआ है मेरे साइड का तो ये उसकी लाइट है, ये इंजन ऑयल की लाइट है, ये आपका पार्किंग ब्रेक ऑन हो रखा है। और ये आपकी सीट बेल्ट अभी मैंने लगा नहीं रखी क्योंकि मैं सीट बेल्ट क्यों पहनूँ अभी मैं गाड़ी खड़ी हुई है तो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर्कल में अगर रोड पर कोई भी स्पीड साइन आता है तो यहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ इसके इस साइड में आपको बाहर की साइड में आपको कैमरा मिल जाता है जो कि वो कैमरा स्पीड साइन को जो रोड पर आ रहा है उसको डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पर आपको अलर्ट देगा कि आगे स्पीड साइन है, आप स्पीड अगर आपकी स्पीड ज़्यादा तो आपको कम करनी पड़ेगी। ऊपर आप टाइम देख पा रहे हैं और यहाँ पर आप टेम्परेचर देख पा रहे हैं। और अभी हम इसको और फीचर दिखाते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा कैमरा मैन, इधर आपको ये फ्यूल दिखा रहा है और यहाँ पर आपको इंजन टेम्परेचर दिखा रहा है जो कि बिल्कुल लो है। तो अभी हम और फीचर्स देखते हैं गाड़ी के इसमें, ये आप देख पा रहे हैं ड्राइवर असिस्ट अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए, ये अगर आपको डिस्प्ले का जो लेआउट है ये जो सारी थीम है अगर आपको वो चेंज करनी हो मैं दिखाता हूँ आपको। आप ये देख पा रहे हैं नॉर्मल, ये इंफॉर्मेशन, ये मिनिमल, अगर हम मिनिमल करते हैं क्योंकि मिनिमल चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है सिंपल सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए, बस आपको नंबर सट गए यहाँ से, नीडल सट गई हैं आपको, बस एक डिजिटल में डिस्प्ले में स्पीड दिखाई देगी और वहाँ पर आपको रेव मीटर दिखाई सिर्फ दिखाई देगा और आपके ब्लू कलर्स में आपको इंसर्ट मिल जाते हैं राउंड सर्कल जो कि पहले रेड थे। और कोई वैसे चेंजेस नहीं आए हैं, अब आपको बस मेन इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। अब हम और फीचर्स की बात करते हैं जो कि इसमें मिल जाते हैं, और आप अपनी अलर्ट हिस्ट्री देख सकते हैं, अगर आपको ड्राइवर इन्फॉर्मेशन देखनी है वो देख सकते हैं, फ्यूल इन्फॉर्मेशन देखनी है वो भी मिल जाएगी आपको, व्हीकल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी हम नेविगेशन के बारे में बात करते हैं, आप देख पा रहे हैं मैंने नेविगेशन ऑन कर दिया है, आप देख पा रहे हैं नेविगेशन शो कर रहा है, आप पूरा मैप आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं अपना अपनी सहूलियत के हिसाब से। अभी हम बैक चलते हैं और ये आपकी ड्राइवर असिस्टेंस, अगर आपको कोई ड्राइवर असिस्टेंस चाहिए हो तो सर्विस चाहिए हो तो। अब हम इसकी सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग में आप ड्राइवर असिस्टेंट की सेटिंग सेट कर सकते हैं, एएफई ऑटो रीसेट सेट कर सकते हैं, पैसेंजर एयरबैग जो आपको साइड में पैसेंजर बैठा है उसके अगर आपको एयरबैग ऑन ऑफ करने हो, ड्राउजीनेस डिटेक्शन मतलब कि आप जब ड्राइवर असिस्टेंट ऑन करते हैं इसका फीचर तो उसमें अगर आपको थोड़ी नींद आ रही हो तो ये उसके लिए भी आपको डिटेक्ट कर सकता है। और आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में मिल जाता है गाड़ी के अंदर, ये मैं दिखाता हूँ, सेटिंग्स में जाएंगे हम, सॉरी सेटिंग्स में, और नीचे आप देख पा रहे हैं ये आपको TPMS ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, अगर आपके कोई भी टायर की एयर कम होगी तो ये उसको बताएगा, और टायर फिल असिस्ट आपके टायर का प्रेशर बताएगा कि कितना प्रेशर उसमें ठीक है। तो ये सब था इस गाड़ी के इस MID के बारे में। अब हम इस इंटरफेस की बात करें तो जो इंटरफेस का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूद है, कहीं भी आपको लैग देखने को इतना नहीं मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल स्मूदली सब कुछ हो रहा है। अगर मैं इसको हटाऊं और मैं नेविगेशन ऑन करूं, आप देख पा रहे हैं काफ़ी स्मूदली हो रहा है, कोई आपको लैग देखने को नहीं मिल रहा है जो कि अच्छी बात है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। तो अब हम इस MID के जो इंटरफेस एक्सपीरियंस है हम उसके बारे में बात करते हैं। ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं आपको 4K डिस्प्ले मिलता है तो तभी आपको इतनी क्लैरिटी मिल रही है आपको डिस्प्ले में, आपको इसमें कोई लैग नहीं मिलता, आपको पूरा स्मूद आप जो भी फंक्शन को करते हैं वो आपको पूरा स्मूदली फ्लो होता हुआ दिखेगा आपको, आप चाहे कुछ भी कीजिए आपको कोई भी लैग नहीं मिलेगा जो कि अच्छी बात है। और आप कलर्स देख पा रहे हैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट कलर्स दिखाई देंगे, और बस यही था इसके MID के बारे में। अब हम इस साइड चलते हैं इसकी मेन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पर, कैमरामैन आप इस साइड से आइए। तो अभी हम इसके मेन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पर आ गए हैं जो कि आपको 10.25 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है, ये भी 4K रेजोल्यूशन में मिलता है। हम अभी इसके होम पे हैं, आपको आपको टाइम दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, अगर आप अपना मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे उसके नेटवर्क भी दिखाएगा, आपको रेडियो म्यूज़िक इन सब की सेटिंग मिल जाती है। और अभी हम इधर चलते हैं, इसका भी फ्लो काफ़ी स्मूद है, काफ़ी आपको कोई लैग नहीं देखने को मिलेगा। आपको नेविगेशन सेट करनी हो आप यहाँ से नेविगेशन सेट कर सकते हैं, आपको इसमें एंड्रॉइड इसमें आपको फुल देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, फुल डिस्प्ले पर आपको नेविगेशन सेट कर सकते हैं, कोई भी नेविगेशन में आप इधर उधर करेंगे आपको कोई लैग नहीं मिल रहा, पूरा स्मूथ चल रही है नेविगेशन। और अभी हम होम पर चलते हैं वापस से,
और हम इसमें एप्लीकेशन जो जो दी गई हैं आपको दिखाते हैं। आप इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल का आप ले आप दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन भी मिल जाती हैं, आपको कुछ भी अगर एक्सप्लोर करना हो, वेब सर्फिंग करनी हो, आपको सब कुछ मिल जाता है। और जो ही काफ़ी अच्छी बात है गाड़ी के प्राइस पॉइंट को देखते हुए, आपको क्लाइमेट कंट्रोल करना हो तो आप यहाँ से क्लाइमेट के लिए आपको तो आपको ये क्लाइमेट जोन में आ गए हम। आपको अपना क्लाइमेट अगर आपको टच स्क्रीन से सेट करना है, जो कि काफ़ी हैजल फ्री तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी दिक्कत होती है अगर आप ड्राइवर हैं गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा टच करने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप नीचे देखेंगे, नीचे आपको बटन वाला क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि ये ठीक होता है, आपको पता है आप क्या दबा रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर आप इधर उधर भी हाथ दब गए तो गलत हो सकता है थोड़ा। नीचे आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है पूरा, अगर आपको डुअल क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑन करना है, एसी वगैरह। और ये आपके यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने हो तो उसके लिए, या आपका डोर जो अलार्म है उसको ऑन ऑफ करना हो, या आपकी हैजर्ड लाइट्स का बटन है, या आपको अगर रियर पार्किंग कैमरा जो है उसको ऑन करना हो, जैसे कि अभी मैं करके दिखाता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं रियर पार्किंग कैमरा मैंने ऑन कर दिया है। आप देख पा रहे हैं कैमरे की क्वालिटी कुछ ठीक इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, आपको विजिबल हो रहा है जो भी आपको पीछे दिख रहा है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कैमरा कैसे देखना है, आप यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड का राइट साइड का दिख जाएगा। और हम बैक चलते हैं, आपको 360 डिग्री का जो व्यू है वो भी आपको मिलता है, लेकिन वो आपको ऑप्शनल है, आप अगर आप उतना पे करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा टॉप मॉडल में। और अभी हम वापस आते हैं नीचे की तरफ, तो ये आपको स्क्रीन सेवर ऑफ ऑन करना हो तो उसके लिए आपको स्विच दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच दिया गया है। ये आपकी सेंटर एसी वेंट्स हैं, जो कि आप बस इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने फ्लो के हिसाब से। और अगर आपको इनकी स्पीड एडजस्ट करनी है तो आपको नीचे दिया गया है, और आप डिस्प्ले से भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको वापस से होम पर कर देते हैं। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे आपको लेदर टच मिल जाता है, या जितना भी आप ये बीच कलर का मटेरियल देख रहे हैं क्रीम कलर का, ये आपको पूरा लेदर में मिल जाता है। ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, जो कि इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ ठीक है। और नीचे आपको सिल्वर कलर में ये पूरी सिल्वर फिनिश दी गई है, जो कि अच्छी लग रही है। और आप ये एसी वेंट्स के यहाँ पे इंसर्ट्स देखेंगे, ये आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम दिया गया है। हाँ, ये आपको प्योर ब्रश्ड एल्यूमिनियम दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, और इधर आपको थोड़ी स्टोरेज भी मिल जाती है यहाँ पे आपको, अगर आपको कोई मोबाइल रखना हो। और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए स्पेस मिल जाती है। तो ये आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है ये इस वाले मॉडल में, और आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है। बात यह है कि गाड़ी में आपको 2 variant मिलते हैं, एक आपको पेट्रोल मॉडल मिलता है, आपको डीजल मॉडल मिलता है। आप ये जो देख रहे हैं जिस गाड़ी में हम बैठे हैं, आपका पेट्रोल मॉडल है, जो कि आपके 200 horsepower प्रोड्यूस करता है। इसमें अगर आपको डीजल इंजन लेना तो आपको एम हॉक इंजन मिलेगा, उसमें भी आपको 2 variety मिल जाती है, जो कि एक आपको देता है 155 horsepower और दूसरा आपको देता है 185 horsepower। हाँ, और टॉर्क दोनों का सेम है, और जो 200 horsepower है उसका टॉर्क इन डीजल इंजन से थोड़ा और ज़्यादा मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं मिलता, आपको हैंड ब्रेक मिलता है, आप ड्रिफ्ट मार सकते हैं। और अगर आप यहाँ देख रहे हैं, आपको डायल मिल जाता है, स्विवल डायल, आप इससे इसको अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आप ऑडियो को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इससे आप अपनी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको होम का बटन, बैक का बटन, अगर आपको बैक जाना हो, ये आपको कॉल करनी हो, अगर आपको कोई अपने फेवरेट सेट करने हो। यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है, जो कि डिसेंट साइज़ का है, आपकी 1 liter की बोतल को ये होल्ड शायद ही कर पाएगा, वैसे तो एक कप ही होल्ड कर पाएगा, जो आपके स्टारबक्स वाले कप होते हैं। तो ये आप आर्मरेस्ट देख रहे हैं, ये भी आपको लेदर वेप में आर्मरेस्ट मिल जाता है, ये एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। और अब हम इसको खोलते हैं तो आपको डिसेंट स्टोरेज मिल जाती है, ये आपको अगर आपको कुछ भी यहाँ पे डालना हो, या आप ट्रे है, रिमूवेबल ट्रे है, आप इसको साफ भी कर सकते हैं अगर कोई गंदा हो जाए तो। अब हम इसको वापस लगा देते हैं, तो डिसेंट साइज़ का आर्मरेस्ट है। यहाँ पे आपको कूलिंग भी मिल जाती है, और आपको हीट करना हो तो हीटिंग भी मिल जाएगी इसके अंदर, अगर आपको कोई भी सामान ठंडा या गर्म रखना हो तो। तो अब हम सीट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, तो आपका जो बोल्स्टर सपोर्ट है काफ़ी बढ़िया आपको पूरा हक करके रखता है। और आप थाई सपोर्ट देख रहे हैं, थाई सपोर्ट को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ थाई सपोर्ट काफ़ी ठीक दिया गया है। और कम्फर्ट सीट का बढ़िया है, आपको परफोरेटेड लेदर सीट्स मिल जाती हैं आगे भी पीछे भी। और तो अब हम चलते हैं सेकेंड रो में, और फिर हम बात करते हैं सेकेंड रो की सीट्स की। तो आप गाड़ी का इंटीरियर देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी का इंटीरियर दिया गया है। ये पूरा मेरे को लगता है कि एस क्लास से इंस्पायर इंटीरियर है, जो कि आपकी मर्सिडीज़ की 2 crore के आसपास की गाड़ी है, तो
तो ये इंटीरियर काफ़ी ज़बरदस्त लगता है आपको। कलर भी अच्छे दिए हैं, कलर्स की चॉइस अच्छी है और इंटीरियर का जो डिज़ाइन किया गया है वो भी काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन किया गया है इंटीरियर को। तो अब हम ये ड्राइवर साइड का वाइजर देख रहे हैं, हम इसको डाउन करते हैं तो आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता है, ड्राइवर अपना चेहरा नहीं देख सकता, ड्राइवर को बस गाड़ी ही चलानी होगी। यहाँ पर आपको कोई भी टिकट वगैरह होल्ड करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। इसको हम एक्सटेंड करके देखते हैं क्या ये एक्सटेंड हो पाएगा। जी हाँ, ये पूरा एक्सटेंड होता है, तो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि सॉरी मैं इसको अब इसको हम बंद कर देते हैं वापस से। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं, ये आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, ठीक है, और ये आपकी कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं जो कि फुली LED, आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपको एम्बियंट लाइटिंग भी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। तो कैबिन लाइट्स हमने ऑन कर दिया, हम इनको बंद कर देते हैं और डोर पर ही रहने देते हैं। आपको मैं मून रूफ खोल के दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे एक और बात, ये आपको इमरजेंसी बटन पर मिलता है। अभी मैं आपको मून रूफ खोल के दिखाता हूँ। ये पूरी मैंने काफ़ी अच्छी लग रही है मूनरूफ। हालांकि मैं इसको मूनरूफ कह रहा हूँ लेकिन महिंद्रा इसको स्काई रूफ बोलता है, जो कि यहाँ काफ़ी अच्छी बात है। जब आप इसको बंद करेंगे, मैं अभी आपको बंद करके दिखाता हूँ, आप जब इंटीरियर में अंदर से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है आपको स्काई का, जो कि इसका नाम सही स्काई रूफ ही देता है। अब आपको बस इसको एक बार दबाना और आपकी पूरी स्काई रूफ एक ही बारी में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। काफ़ी अच्छा फीचर दिया है गाड़ी में। गाड़ी के प्राइस पॉइंट को देखें तो हम ये फीचर आपको फॉर्च्यूनर में भी नहीं मिलता, जो कि इससे डबल के करीब ही पड़ जाती है। आपको फोर्ड एंडेवर में मिल जाता है, जो कि वो भी इससे काफ़ी महंगी है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब हम चलते हैं सेकंड रो में। तो ये पैसेंजर साइड का वाइजर पे हम आ गए हैं, जो कि हाँ पैसेंजर को मिरर तो मिलता है, अपना वैनिटी मिरर मिल जाता है, लेकिन पैसेंजर को यहाँ पर वैनिटी लाइट्स नहीं मिलती हैं, जो कि काफ़ी बुरी बात है। और यहाँ पर आपको टिकट वगैरह लगाने के लिए होल्डर मिल जाता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। तो यह था सब कुछ कैबिन के बारे में। अब हम चलते हैं सेकंड रो में। तो अभी हम रियर डोर पर आ गए। आप रियर डोर देखिए, आपको डोर हैंडल मिल जाता है अनलॉक करने के लिए। आपको वन टेंशन डोर होल्ड डाउन नहीं मिलती है पीछे रियर सीट्स में, आपको बस ड्राइवर साइड में ही मिलती है। नीचे आपको 1 लीटर की बोतल की स्टोरेज मिल जाती है और थोड़ी सी और स्टोरेज दी गई आपको, कुछ भी अपना सामान वामान रखना हो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। तो अब हम सेकंड रो के अंदर चलते हैं और फिर बात करते हैं सीट के बारे में। तो अभी हम सेकंड रो में आ रहे हैं। आप ये फ्रंट सीट देख रहे हैं, ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, मेरी हाइट 6'1" है। और इसमें आपको मेमोरी सीट्स मिल जाती हैं। जैसे ही मैं डोर इंजनों को ऑफ करूँगा, गाड़ी अपने आप जो सीट्स हैं अपने आप वापस में पोजीशन में आ जाएंगी। तो अभी अपनी पोजीशन में आ चुकी है वापस। आप लेग रूम देख पा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया लेग रूम है। नी रूम भी काफ़ी बढ़िया है। और अगर मैं हेड रूम की बात करूँ, हेड रूम आपको 1.5 इंच का हेड रूम मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मैंने पिछली वीडियो फोर एंडेवर की डाली थी, तो आप फोर एंडेवर का मैंने आपको हेडरूम बताया था, वो इतना हेडरूम आपको फोर एंडेवर में भी नहीं मिलता है। आपको बस उसमें मेरा हाथ भी उसमें मुश्किल से जा रहा था, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा हेडरूम मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। इसमें आपको स्काई रूफ होने के बावजूद भी इतना अच्छा हेडरूम मिलता है, काफ़ी अच्छी बात है। और सीट का कम्फर्ट ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं सेंटर सीट पर चलता हूँ, सेंटर सीट पर देखते हैं आपको क्या मिलता है। तो अभी मैं सेंटर सीट पर बैठा हूँ। तो इसमें स्काई रूफ होने की वजह से जो ये हेडरूम है, सेंटर जो पैसेंजर बैठेगा बीच में, उसके लिए हेडरूम काफ़ी और बढ़ जाता है साइड जो मेरे पैसेंजर बैठेगा उसके मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे आपको स्काई रूफ का जो बाकी का रूफ का पोर्शन है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे स्काई रूफ आ जाती है सेंटर में, तो आपको हेडरूम अगर ये खुल जाए तो पूरा हेडरूम ही हेडरूम है। और अगर मैं बैक सपोर्ट की बात करूँ सेंटर सीट के लिए, तो आर्मरेस्ट होने की वजह से सेंटर सीट में आपकी जो बैक है वो पूरी स्ट्रेच हो जाती है, जो कि एक रिलैक्सेबल पोजीशन तो नहीं है। और अगर मैं बॉटम वाली सीट की बात करूँ, तो ये जो आप सेंटर सीट देख रहे हैं बॉटम में, ये साइड की जो दोनों सीट हैं इनसे थोड़ी ग्रेस की गई है, ऑब्वियसली जो आपको ट्रांसमिशन टनल मिल रही है उसके कारण थोड़ी सी ग्रेज है, तो इसलिए थोड़ा अपवर्ड बैठता है जो सेंटर में जो बंदा बैठेगा इन दोनों के मुकाबले में। तो जो आप नीचे ट्रांसमिशन टनल देख रहे हैं, ये बिल्कुल नाक के बराबर आपको मिलती है, इतना वो कोई वो नहीं है, बस आपको 1 इंच का थोड़ा सा रेज मिलता है फ्लोर में, जो कि बिल्कुल नाक के बराबर है। तो काफ़ी बढ़िया बात है ये सेंटर सीट के बारे में। अब मैं अगर सेकंड रो में जो फीचर्स दिए गए हैं उनके बारे में बात करूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कैमरामैन प्लीज़ आप दिखाएं।
तो सेकंड रो के फीचर्स के बारे में बात करूँ मैं, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल ऑब्वियस बात है, या आपको कोट हैंगर मिल जाता है ग्रैब हैंडल के साथ में, अब आपको दिख पा रहा होगा, या आपकी रीडिंग लैंप्स मिल जाती हैं जो कि अभी गाड़ी का इग्निशन ऑफ है तो इसलिए आपको ये जलती हुई नहीं दिखेंगी। और मैं यहाँ की बात करूँ, या आपको एयर वेंट्स मिल जाती हैं जो कि यहाँ काफ़ी फेस की तरफ डायरेक्ट कर रखी हैं, जो कि अच्छी बात है। आपको एक USB या आपको टाइप सी सॉकेट मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको थोड़ी और स्टोरेज मिल जाती है, आप अपना मोबाइल डाल सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि साइड में आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे आप मोबाइल रख के आराम से चार्ज कर सकते हैं। नीचे इसमें आपको कुछ नहीं मिलता है। और ये था इसके सेकेंड रो के बारे में। एक चीज़ और रह गई जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सेकेंड रो में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट का मतलब है तो इसमें आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं सेकेंड रो के लिए, तो आपको आइसोफिक्स पॉइंट भी मिल जाते हैं। अगर आपको अपना आप अपना बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जो बच्चे की सीट होती है आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं, और ये हाँ आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये जो आपकी कैप है इसका खूने का भी डर नहीं है, आप जब लगाएंगे तो ये अंदर चली जाएगी, जो कि अच्छी बात है। तो जैसे कि ये एक SUV गाड़ी है, और ये आप जो मॉडल देख रहे हैं ये लग्जरी लाइन का मॉडल है। अगर आपको इसमें ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो आपको टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी लाइन का जो मॉडल आते हैं वही आपको लेने पड़ेंगे, उसी में आपको ऑल व्हील ड्राइव का जो फीचर्स होते हैं वो मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो उससे नीचे की जो मॉडल होते हैं उनमें आपको ऑल व्हील ड्राइव नहीं मिलती है, और आपको 7-सीटर और 5-सीटर्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो अभी मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ, थर्ड रो में आ चुके हैं हम, आप देख पा रहे हैं हेडरूम बिल्कुल भी नहीं है, मेरा सर पूरा ऊपर टच हो रहा है, तो हेडरूम बिल्कुल बेकार है। हाँ, सीट का कम्फर्ट वही है थर्ड रो में भी, बस जो सीटिंग पोजीशन है बैक से पोर्ट पूरा स्ट्रेट हो गया है तो कम्फर्टेबल का नहीं है, लेकिन जो सीट का कम्फर्ट है वो अच्छा है। और जो आप हेडरेस्ट देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको नॉर्मल पोजीशन में रखूँ तो ये काफ़ी अनकम्फर्टेबल, क्योंकि ये सीधा बैक को टच होगा, आपको इसको ऊपर करना पड़ेगा, जो कि शुक्र है आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। तो अभी मैं बैठा हुआ उसमें, आप नी रूम देख पा रहे हैं, ये वाला पैर मेरा पूरा टच हो गया है। हमने आपको सीट फोल्ड इसलिए करके दिखाना था क्योंकि जो कैमरा मैन वो अच्छे से रिकॉर्ड कर पाए, जो ये वाला लेग ये पूरा टच हो रखा है, इस सीट इस लेग के आगे कुछ है नहीं तो इसलिए आपको दिखेगा नहीं। और लेग रूम ठीक है, नी रूम बिल्कुल ही बेकार है थर्ड रो में। और मेरी हाइट आप देख पा रहे हैं 6'1" है, आप इनको बस आगे फोल्ड कर सकते हैं, आप इनको आगे मूव नहीं कर सकते हैं, जो कि एक बुरी बात है। और अंदर अगर मैं विंडो की बात करूँ, विंडो जो है वो डिसेंट साइज़ की दी गई है, आपको एयर फील होता है, सफोकेशन आपको नहीं होगा इतना, क्योंकि आपको मून रूफ भी मिल जाती है और आपको एयर वेंट्स वगैरह तो है ही। आपको 3 मीटर 3 मीटर कटाओ दे देता है, इसमें आपको 4 मोड मिल जाते हैं, जो कि जिप स्लैप व्यू, 4D और 3D 3 मोड मिल जाते हैं। जिप स्लैप व्यू के आप मान लीजिए कि आपको कम्फर्ट मोड है, और जैप आप मान लीजिए कि आपको थोड़ा इकोनॉमी मोड है, उसमें आपको थ्रस्ट थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। जूम आप मान लीजिए कि आपको स्पोर्ट्स मोड है, उसमें आपको पूरी फुल परफॉर्मेंस मिलती है। और गेम आपको TV पे जो है ऑनलाइन फोर्स मिलेगी आपको, और तो हम गाड़ी के ऊपर थीम के बारे में बात करते हैं। तो मेरी गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है दिखने में, मैं वो लोग थोड़ी और अच्छी गाड़ी के फीचर्स के बारे में बात करूँ, तो फीचर्स आपको काफ़ी पैसे मिल जाते हैं, जो कि आपको आपको वाईफाई के द्वारा यूज़ कर सकते हैं, आपको ड्राइवर सिस्टम फीचर मिल जाता है,